जी हो जाएगा। यही अन्नपूर्णा तुम्हें। ठीक यस सर। है, जल्दी कीजिए। डन, प्लीज लेट मी नो। यही अन्नपूर्णा, तो एक ही हो जाए तो भेजिए, जल्दी भेजिए। 2 मिनट और है आपके पास। टेल मी व्हाट एवर यू कैन। मैन यस या प्लीज टेल मी व्हाट एवर यू हैव डन टिल नाउ। अन्ना आपसे हो रहा है यस अन्ना टिल मी। ठीक ऑलमोस्ट सर। है, ऑल्सो अन्ना यू आर नॉट प्रेजेंट इन द डी एंड एफ ब्लॉक क्लासेस, वाई? सर आई वॉज बिजी लास्ट संडे। सो डिड यू आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग? आपने रिकॉर्डिंग देखी? यस आई सॉ द प्रीवियस द फर्स्ट क्लासेस रिकॉर्डिंग। डिड यू मेक द नोट्स? यस सर। पियानो नहीं होगा, यही है साया नीडो होगा। ठीक है ना, पियानो मत लिखिएगा, साया नीडो। आई थिंक वो हमें आईपैड नेमिंग में लिखा है, साया नीडो लिखिएगा। ओके चलिए ओके देखिए। अन्ना भेजिए, ठीक है ना, बहुत टाइम लग जा रहा है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है क्या? यही आपने प्रैक्टिस की थी इसकी? यस सर, होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने फिर से किए थे। ओके ये थे, ठीक है, सबसे पोटेशियम हेक्सासाइनिडो, फेरेट होगा बिकॉज आयरन जो है आपके पास यहाँ पे, द कॉम्प्लेक्स आयन रहते थे एनआईएन, है ना? तो एनआईएन में क्या होता है, 8 से हम लोग एंड करते हैं।
नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लस प्लस 3 और -6, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना होगा? प्लस 3 होगा, तो इट शुड बी प्री ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ में भी अगेन वी हैव पोटेशियम, हु इज हियर? खदीजा इज हियर। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, एम आई ऑडिबल? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो अगेन फेरेट। नाउ हियर के विल बी हैविंग प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देर आर ऑक्सलेट, ऑक्सलेट में टू नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा ना, देर इज टू नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सलेट आयन, तो उसकी वजह से -6 हो जाएगा। ठीक है, देर आर थ्री ऑक्सलेट तो -6, उसको बैलेंस करने के लिए प्लस 3 फॉर आयरन। द फिफ्थ वन इज गोइंग टू बी अगेन पोटेशियम। वी हैव टेट्रा क्लोरीडो, सीएल है तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीडो पैलेडेट। कॉपी दिस डाउन। ठीक है, वी हैव नॉट कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन स्टेट ना फॉर पैलेडियम। प्लस 2 फॉर पोटेशियम, -4 फॉर क्लोरीन, तो +2 हो जाएगा, तो बैलेंस इट विल बी +2 ओनली। लिखिए यहाँ तक, बताइए जल्दी, आर यू डन राइटिंग टिल हियर? ठीक यस सर, यस सर। है, अब जैसे ना फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए जरा आपको फॉर्मूले के लिए भी लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स। कुछ तो बेसिक रूल्स ये हैं कि जो आपके पास लिगेंड्स है ना, अच्छा बाय द वे ये हमने ना इसमें बताया नहीं है, मल्टीपल लिगेंड्स वाले होते हैं ना आपके पास, मल्टीपल लिगेंड्स है यहाँ पे यूज सेकेंड, हमने बताया था ना नेम ऑफ द लिगेंड शुड कंटेन, नेम शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमने बताया था ना? यस सर, हाँ ठीक यस है सर। ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब जरा इसका नाम हम लोग लिखते हैं, है ना, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ये कटायन हमारे पास है, दिस इज दी कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास व्हाट इज दी मेटल, टेल मी गाइस, पहले वाले में लिखिए, मतलब इसे देखने कोबाल्ट पे ध्यान सर, दीजिए। हाँ वेरी गुड, कोबाल्ट सर। इट इज कोबाल्ट। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट इट इज कोबाल्ट। सबसे पहला लिगेंड कौन सा नजर आ रहा है बताइए, व्हाट इज द लिगेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट लिगेंड टेट्रामीन, टेट्रामीन, टेट्रामीन अमीन मतलब NH3, दिस विल बी होल फोर, एंड फोर आफ्टर दैट वी हैव आपको सर एक्वा टू मीनिंग वाटर, राइट, आफ्टर दैट क्लोराइड क्लोराइडो, क्लोराइड मीन Cl। सीएल ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अगेन क्लोराइड सर। Cl। अब ये Cl1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ये कैसे पता चलेगा?
आई मीन इवन इफ द क्लोरीन इज वन देन वी राइट क्लोरीन क्लोराइड, अगर दो होता तब भी क्लोराइड, तीन होता तब भी क्लोराइड ही लिखते हैं राइट। तो हाउ आर वी गोइंग टू सी दैट, तो देखिए बहुत ही आसान है, क्लोरीन जो भी होगा इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी इक्वल टू -1, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का, है ना। क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए कोबाल्ट का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ठीक है ना, कोबाल्ट इज गिवन एज 3, अमोनिया कितना होता है 0, वाटर कितना होता है 0, एंड क्लोरीन का -1 ठीक है। तो ओवरऑल व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल कितना हो जाएगा जी, यहाँ सर कितना बोले, 200 बोलिए, टू टू, वेरी गुड। और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, वन। सर अब याद है ऐसे क्रिस क्रॉस, तो द फॉर्मूला विल बिकम सी ओ एन एस थ्री होल 4 H2O क्लोरीन एंड Cl2 क्लोरीन विल गेट इसका वैलेंसी एंड द कॉम्प्लेक्स एंड विल गेट द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। बात समझ में आ गई, हाँ या ना बताएं, ठीक यस सर है। चलिए अगला वाला भी ना, अभी हम ही पूछ रहे हैं बस आप लोगों से, आप लोग बताते जाइएगा ठीक है। चलिए बताइए क्या लिखे सबसे पहले, डी वाले में बताइए जरा, पोटेशियम तो के लिख दे के के सर है ना, अभी कितना के होगा वो बाद में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट जस्ट के, उसके बाद इन द ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में क्या, जस्ट पोटेशियम, उसके बाद इधर ब्रैकेट में क्या लिखे बताइए, जिंक सर जिंक, एंड उसके बाद सर What? अन्ना आप बताइए, आप भी बताइए, खदीजा आप भी बताइए, हाइड्रोक्साइड टेट्रा हाइड्रोक्साइड हो मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द लिगेंड, टेल मी कौन सा लिगेंड होगा, हाइड्रोक्साइड हो कौन सा लिगेंड हो जाएगा, ओएच वेरी गुड, ओ एच, एंड हाउ मच ऑफ ओ एच, 4 OH ठीक फोर है। नाउ पोटेशियम का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है, जिंक की वैलेंसी क्या दी हुई है, 2, OH कितना होता है -1, तो वी आर हैविंग 4 OH, दैट मींस इट विल बी -4, सो दिस होल थिंग विल हैव अ ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट लुक एट द यूनिट्स है ना, चार्ज आपको देखने की जरूरत नहीं, इसके प्रोसेस क्या देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल -1 था तो हमने 1 ही लिया था ना, यहाँ पे कितना लेंगे, 2 लेंगे, हाँ या ना बताइए, डज दैट मेक सेंस, यस यस और नो। तो पोटेशियम में कितना हो जाएगा फिर, 2, टू सर बात समझ में आ गई। यस यस सर चलिए सी का बताते जाइए आप लोग, चलिए अन्ना बताइएगा सी का, बोलिए बोलिए, जैसे भैया ना के फिर ब्रैकेट, हाँ ये के करना, के ब्रैकेट ब्रैकेट एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट मीन्स एल्यूमिनियम राइट, एल ए एल, यस वेरी गुड, देन C2O4 वेरी गुड, C2O4 ऑक्सलेट, हाउ मच C2O4, हाउ मेनी, थ्री थ्री, एंड द स्क्वायर ब्रैकेट विल क्लोज राइट, व्हाट इज द यस चार्ज ऑन एल्यूमिनियम, प्लस थ्री 3, व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सलेट, वन लुक इट इज 2 नेगेटिव, COO नेगेटिव, और ऐसे रहता है ना COO नेगेटिव, so there is 2 negative charge on the oxalate ion and because of that the overall charge on oxalate is going to be -6 right, because we have 3 to the 3 into -2 will be -6, make sense, यस ठीक है। तो एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन पोटेशियम, पोटेशियम इज गोइंग टू बी ऑलवेज थ्री +1, हाँ ठीक है, 3 हो जाएगा सर, नंबर ऑफ पोटेशियम विल बी 3, तो यहाँ पे यस आपके पास सर 3 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया ठीक है। चलिए अच्छा, अब उसके बाद जैसे ट्राइऑक्सलेट हो गया, डाई क्लोरिडो बेस, देखिए कैसे ये वाला बेस आ गया ना, बेस बिकॉज EthEN1,2-diamine विल बी ट्वाइस, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए डी के लिए वी आर गोइंग टू हैव कोबाल्ट, डाई क्लोरिडो दैट मीन्स 2 Cl, बेस दैट मीन्स वी हैव EthEN1,2-diamine En, हाउ मेनी En, we have 2 EthEN 1,2-diamine. Now, if you look at the charges here, it is -2, and this will be dichlorido. अच्छा हाँ, फिर इसमें this will be an ion now. ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा. Cobalt is having +3 charge.
chlorine will be having dichloride of minus 2. Ethylene diamine, ethane 1 to diamine, it is neutral. So overall charge in this complex will be plus. Can you see that? We don't have any yes, counter sir. ion. है ना, तो प्लस हो जाएगा वहां पे, राइट। चलो इतना कॉपी कर लीजिए। अगला जो है टेट्रा कार्बोनल निकल, इट इज वेरी इजी, NiCO4, राइट। चलिए यू हैव द क्वेश्चंस एज वेल एज द आंसर्स, प्लीज कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। Raise your hand once you're done writing. And now I am just looking at your answers right now. Potassium tetrachloridopalladate है ना, तो ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना? यस But the सर, previous ones, ठीक है, तो ठीक कर लीजिएगा। By the way, before I forget asking, Anna, is there any chapter coming in your half yearly that we have not done in our classes? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच चैप्टर, कैन टेल मी? द फर्स्ट टू चैप्टर्स, The first two chapters. यस Achha, can you please write that in the Zoom chat? Aditya, what about you? Is there any chapter that is coming in your half yearly and we have not done that chapter till now? No, sir. Okay, everything is done. Can you please write that on the chat, please? If you have any chapters remaining, like Annapurna, Annapurna, please write haloalkane, halorine, and alcohol phenol ethers, if that is the chapter that is coming in your half yearly, but we have not done. Khadija, you please write, everything is done. Yeah, I think I have asked you previously, na? Sunday wale din shayad humne puch liya. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Done everyone writing? Is someone please tell me? Yes, sir. Yes, sir. What about Khadija? Are you done? Yes, sir. Next, you have to pass next to topic, Arana. That is very important. We are going to learn about bonding theory. Plenty of questions come from this particular topic. ये जो पूरा टॉपिक है ये तो आपको आएगा जब we are done with the both bonding theory. ठीक है, तो अब जरा हेरिंग अली का बॉन्डिंग थ्योरी। बॉन्डिंग थ्योरीज में जो जो चीजें हैं वो लिख देते हैं हम। फर्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट वी हैव टू स्टडी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, in short it is VBT. Then we have crystal field theory,
दैट इज सी एफ टी, थर्ड वन इज लिगेंड सील थ्योरी, LFT, द फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। All of these theories are for the explanation of bonding in the coordination compounds. The one which we have to study is basically valence bond theory and crystal field theory. We don't have to study about ligand field theory and molecular orbital theory. This is not there in the syllabus, even though NCERT mentions these names, ligand field theory and molecular orbital theory, while explaining the bonding theory. And if you further, agar aap chemistry padne gaye, then you are going to learn about the LFT and MOT part of the coordination compounds, even though MOT जो है molecular orbital theory you have done for simple homo diatomic gases in the class 11th in the chapter chemical bonding. ठीक है, so we are going to study two theory. पहले लिखिएगा valence bond theory, valence bond theory. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप लोग को सबसे पहले जो कुछ इंफॉर्मेशन है दैट यू हैव टू मेमोराइज एंड देन यू हैव टू अप्लाई, हर चीज में ही होता है, आप उसको मेमोराइजेशन करना रहता है फिर उसके एप्लीकेशन आता है. तो यहाँ पे मेमोराइज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन. फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन यू आर गोइंग टू गेट अ ज्योमेट्री. Obviously, this is not going to be something very new. For example, for coordination number 4, we have a hybridization sp3, and for sp3, the geometry is going to be, tell me what? sp3 kaun sa geometry hota hai? Yaad hai kisi ko? Anna, Khadija, Yahya, what kind of geometry yes, is there? Kya hota hai, bataiye? sp3 mein kya hota hai geometry? sp3 to hybridization hai. sp hybridization, what is the geometry? हो बोलो भाई, ज्योमेट्री याद करो, भूल गए आप लोग. टेट्राहेड्रल है ना, इट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. बाय द वे इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देयर आर टू हाइब्रिडाइजेशन दैट कैन आल्सो अकर, दैट इज bsp2 और sp2d व्हिच इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर. फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज sp3d एंड dsp3. ठीक है, दिस इज ट्राइगोनल बाइट्रायंगल. सिक्स्थ वन इज sp3d या फिर होगा dsp3. This one is going to be तो सबसे ज्यादा बात जो हम लोग करने वाले हैं इसमें भी, we are going to talk about coordination number 4 and coordination number 6. Coordination number 5 बिल्कुल ही नहीं है आपके एनसीईआरटी टेक्सटबुक में. ठीक है, फिर भी आपको बस लिख लेना यहाँ पे. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज द 3D सीरीज है ना. 3D में कौन कौन से हमारे पास मेटल आते हैं? तो द मेटल दैट वी हैव इन द 3D सीरीज इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, एंड जिंक. ठीक है, लेट मी जस्ट यूज मोर स्पेसेस.
देखिए ना, याद कैसे करना है इसको, बहुत ही आसान है, दो तीन बार दोहराइएगा। शक्ति विक्रमण तेकोनी कूदन, शक्ति विक्रमण तेकोनी कूदन, इट इज जस्ट लाइक क्या बोले हम, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र की तरह है, शक्ति विक्रमण तेकोनी कूदन, शक्ति विक्रमण तेकोनी कूदन, शक्ति विक्रमण तेकोनी कूदन, यू जस्ट रिपीट इट लाइक 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, ये आपको याद हो जाएगा ऐसे। शक्ति विक्रमण फेको नहीं कूदन, शक्ति विक्रमण फेको नहीं कूदन, शक्ति विक्रमण फेको नहीं कूदन, याद कर लीजिए बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, दी एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21, दिस इज 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। जब ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो, फिर उसके बाद +2 और उसके बाद +3, इन तीनों के ये इन ऑक्सीडेशन स्टेट में व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो प्लीज हियर, बहुत ही आसान है इसके लिए, जब आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट टू रहे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहे ना, आपको देखिए 4s आर्गन आएगा सबसे पहले, 4s2 3d1, ठीक है, 4s2 3d1, एडेनियम के लिए क्या हो जाएगा, s2d में भी 2, रेडियम के लिए s2d में 3। क्रोमियम का आपको हल्का सा याद रखना पड़ेगा बिकॉज इट इज एक्सेप्ट, s1d5 होता है इसका। वापस से मैगनीज से वही सारी चीजें आ जाएंगी, s2d5, s2d6, s2d7, s2d8, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा चेंज आएगा, दैट इज s1 एंड d1। जिंक में वापस से इट इज गोइंग टू बी s2d10। आई होप फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक सॉरी आई होप फ्रॉम द एटॉमिक नंबर यू कैन मेमोराइज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑल्सो। क्या ख्याल है, अन्ना पुन्ना खतीजा एंड लिंगिया, यू हैव टू बी क्विक व्हेन आई से यस स्कैंडियम, सर, एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए माइंड से, खासतौर से इधर इन लोगों का है ना। आयरन बोला तो 26 मतलब s2d6, अन्ना एंड खदीजा यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, यस नो प्लीज टेल मी, यस सर, दिख रहा है ना 2 और 6। अच्छा अब उसके बाद जो +2 वाला है वो तो और ही आसान है, आपको अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डी में इलेक्ट्रॉन बचेगा, इट इज फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, d1, +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में क्या हो जाएगा इसका, 3d1, इसमें 3d2, 3d3, 3d4, कोई एक्सेप्शन नहीं था, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 1 सेकेंड, s1d10 होगा यहाँ पे, तभी तो 29 होगा ना, s1d10 इसलिए भी 3d9 और ये हो जाएगा 3d10, ठीक है। +3 में क्या करना है, इससे आपको और एक हटा देना, दिस विल बी 3d0, दिस विल बी d1, दिस विल बी d2, दिस विल बी d3, दिस विल बी d4, दिस विल बी d5, दिस विल बी d6, d7, d8 एंड d9। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, फॉर एग्जाम्पल आयरन 26, आपके पास आएगा आर्गन, उसके बाद आएगा 4s2 3d6, आपसे कहा जाए लिखने के लिए किसका, इट इज सपोज वनेडियम का, वनेडियम तो उतना ज्यादा नहीं आता है, मैगनीज लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैगनीज 25, दिस इज गोइंग टू बी आर्गन 4s2 3d5। उसी तरह से आपके पास आ गया मान लीजिए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो 27 में से ना आपको क्या करना है, एक घटा देना, तो इसमें भी आर्गन 3d6, आर्गन 3d6, ये अगर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव होता ये एटॉमिक नंबर स्टिल 27, दिस विल बी आर्गन 3d7। कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन।
रेज योर हैंड वंस यू डन। इसको ट्राई कीजिएगा कि आप बोर्ड पे ना देखें, डोंट लुक एट द स्क्रीन, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। जब अगर कहीं अटक रहे हैं आप, तब इसको दोबारा देखिएगा, ठीक है? रेज योर हैंड वंस यू आर डन गाइस। हो गया, लेकिन इसको स्टार्ट कराना तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सही थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं, फिर हम लोग एनसीए क्लास को देखेंगे। एनसीए क्लास में सही से देखेंगे ना, लीजिए ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के असल में थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी क्या बोलता है हम, लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है ना कि ये बोलता है कि हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ, उसके बाद हम शायद तुमको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब बता देंगे। इट इज स्टिल वहां पे भी शायद, ठीक है? तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेगा, इट्स नॉट रिगार्डिंग वायरस बॉन्ड थ्योरी बट रादर इन जनरल पॉइंट है, वायरस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए बस। ठीक है, इट इज जनरली पॉसिबल टू प्रिडिक्ट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इफ वी नो द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स, इफ वी नो द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, है ना? यानी कि अगर आप मान, ऑल्सो मैग्नेटिक बिहेवियर इज व्हाट इट इज, इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। एक्सपेरिमेंटेशन से पता चल जाए कि डाया मैग्नेटिक है या फिर पैरा मैग्नेटिक है। तो जैसे कि दो कैटेगरी में हम लोग देखेंगे, डाया मैग्नेटिक इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट इज जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या इसको क्या कह सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है। नेक्स्ट इज पैरा मैग्नेटिक, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है पैरामैग्नेटिक नहीं बताएगा, बस इतना बता देगा इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, ठीक है? इसको लिख लीजिए जरा, रेज योर हैंड वंस यू आर डन।
एग्जाम्पल के तौर पे वी आर गोइंग टू लुक एट दी वी आर गोइंग टू अप्लाई हाइब्रिडाइज सॉरी वी आर गोइंग टू अप्लाई द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस है ना, ऑन टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है दैट इज कोबाल्ट NH3 होल 6 विद अ 3 पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है आपके पास कोबाल्ट F6 हेक्सा फ्लोरिडो विथ 3 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको अप्लाई करनी है तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसा कॉम्प्लेक्स है। तो दिस वॉज सीन टू बी डायमैग्नेटिक। बाय द वे, जब हम लोग को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग जब पढ़ देंगे ना, देन वी वुड नॉट रिक्वायर दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। इसको एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू डू दी वैलेंस बॉन्ड, वी आर गोइंग टू अप्लाई द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले दोनों ही केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ऑफ कोबाल्ट। क्या देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। अमोनिया का तो जीरो होता है, कोबाल्ट विल बी डायरेक्टली प्लस टू हो जाएगा बिकॉज दैट इज द ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, और वो किसकी वजह से होगा, कोबाल्ट की वजह से, बिकॉज अमोनिया तो क्या होता है न्यूट्रल, कोबाल्ट विल बी प्लस थ्री। इफ यू लुक एट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द हेक्सा फ्लोरिडो कॉम्प्लेक्स देन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इट इज गोइंग टू बी क्लोरीन विल बी -6, ओवरऑल चार्ज कितना है -3, तो ऑब्वियसली कोबाल्ट प्लस थ्री होगा तभी तो बैलेंस करके क्या दे रहा है, यहाँ पे -6 प्लस 3 -3 दे रहा है। ठीक है ना, तो कोबाल्ट इज गोइंग टू बी प्लस 3 हियर आल्सो, यहाँ पे भी इसके पास क्या होगा, तो भी प्लस 3। अब सीधा आपको क्या लिखना है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू डू इज फॉर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव व्हाट इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 नहीं होता, कितना होता है 28 होता ना, शक्ति विक्रमण पे को नी पे को हाँ 27, 27 27 में दैट मींस इट इज गोइंग टू बी आर्गन CD6 हो जाएगा ये, है ना, अगर प्लस टू रहता तो 7 रहता, ये क्या हो जाएगा 3D6। हियर ऑल्सो द कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इट इज गोइंग टू बी 27 विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज आर्गन CD6। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, जो आपके पास 3D6 है, इस 3D6 में बिकॉज इट इज डायमैग्नेटिक ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड। ठीक है, सिंस इट इज सिंस इट इज डायमैग्नेटिक ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड। अच्छा, यहाँ पे ये जो पैरामैग्नेटिक है, अगर पैरामैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी पेयर्ड सिंस इट इज पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी पेयर्ड। ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ठीक है, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर होंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अनपेयर होंगे 1 2 3 4 5, एक तो मतलब तो पेयर करनी ही पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं कह रहे ना सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स विल बी अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी पेयर्ड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पेयर्ड नहीं होंगे। अब उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी है, ध्यान दीजिए जरा, नेक्स्ट वन इसी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन हम लिख रहे हैं, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें, टेल मी गाइस व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट NH3 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी को नहीं पता, चलेगा यस अन्ना यहिया अदीजा कोई तो बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड्स हैं उसके हिसाब से होता है ना, याद कीजिए जो लिगेंड हाउ मच कीजिए, वन सिक्स 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 है ना, ठीक है सिक्स है।
कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 6 है। और हमको वीकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए? वीकेंट ऑर्बिटल शुड बी इक्वल टू, वीकेंट ऑर्बिटल जो आपको चाहिए होता है वीकेंट ऑर्बिटल, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो वीकेंट ऑर्बिटल चाहिए ना, कितना चाहिए? 6 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो वीकेंट ऑर्बिटल कितना चाहिए? 6 चाहिए। ठीक, उसको फिर दोबारा में देखेंगे, पहले वाला को। दायरे में दो आपके पास है मौजूद, पहले से ही है ना, दो मौजूद है। तो आपके पास सी डी के दो है मौजूद, है ना। सी डी के बाद कौन सा आता है बताइए, तरफ सी डी के बाद कौन सा है बताओ? विच सबसेल विल बी प्रेजेंट आफ्टर सी डी? थर्ड सेल के अंदर सी डी के अलावा कोई और होता है? देखो, थर्ड सेल के अंदर 3S होता है, 3P होता है, 3D होता है। क्या CF पॉसिबल है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? CF होता है बताओ? नो सर, नहीं ना, CF तो होता नहीं है। तो CD के बाद अब अगला हम लोग सेल में जाएंगे, अगले सेल में कौन मिलेगा हमको? 4S मिलेगा। 4S से एक ले लेंगे, अब कितना बचा? देखो, 2D का ले लिया, 1S का ले लिया, अब कितना बचा? और कितने लेने बाकी हैं बोलो? टोटल, अच्छा देखो, माइक ऑन करके रखोगे तभी आएगा, माइक ऑफ करके रखेगा तो नहीं आएगा ना, जल्दी जल्दी आंसर कैसे आएगा? ठीक, आपको कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स डू यू नीड? सिक्स। सर दो तो आपके पास है डी के, है ना, दो है ना सर। डी के। उसके बाद आपने एक एस का यस ले लिया, अब फोर एस के बाद कौन आएगा बताओ? फोर एस के बाद एस सबसेल में सबसे कम एनर्जी तो एस की होती है, उसके बाद किसकी एनर्जी होती है? कौन सा सबसेल की सबसे कम एनर्जी? एस की। उसके बाद, उसके बाद एस के बाद बोलो भाई। अरे आपके पास सही जवाब है, बोलो तो सही। एस के बाद किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? सबसे नहीं याद क्या किसी को? यहिया अन्ना बोलो। पी हाई, हाँ ठीक है भाई, सही है। 4s के बाद कौन आएगा आपके पास? p आएगा। ठीक है, p से कितने ऑर्बिटल्स लीजिएगा आप बताइए जरा, कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत है आपको? टू। टू टू की या थ्री की? थ्री की जरूरत है ना, दो तो आपके पास थे, आपने एक s से लिया, तो टोटल यस कितने हो गए? तीन। तीन और तीन, आपको टोटल कितने चाहिए? छह चाहिए ना। गॉट इट अन्ना? यस और नो पी से नहीं? यस सर। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। तो आपके पास अब देखिए जरा क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन D2SP3। ठीक है, आपके पास D2SP3 बनेगा, तो उसके जैसा होगा जिसमें 6 ऑर्बिटल्स होंगे, एंड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स कौन ला के देगा? इलेक्ट्रॉन्स ला के देंगे आपके पास क्वार्टर अमोनिया। तो इन ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बोथ दी इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल इज गिवन बाय अमोनिया। इन सारे ही ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? अमोनिया, बिकॉज अमोनिया ही क्या है आपका? लिगेंड है ना। तो 6 अमोनिया जो है आपके पास, वो तो 6 अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, और उसके माई बैड गाइज, आई वॉज डिस्कनेक्टेड एंड आई वॉज शाउटिंग। कैन यू सी द स्क्रीन गाइज? चलिए यस सर। ठीक है, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था इस वाले कॉम्प्लेक्स में, कोबाल्ट F6 वाले में? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कोबाल्ट द सिक्स पैरामैग्नेटिक केस? सिक्स सर। है ना। वेकेंट ऑर्बिटल नीडेड कितने नीडेड है बताइए? ऑमनी वेकेंट सिक्स ऑर्बिटल टू बी नीड? सिक्स, सिक्स है ना।
अच्छा इस वाले 3D में तो कोई नहीं है हमारे पास, देख रहे हैं आप? आई डोंट हैव एनीथिंग इन द 3D ना, बोलो सर। बोलो। हाँ कुछ तो नहीं है, फिर हम किसके पास जाएंगे बताइए? 3D में नहीं है, 3D के बाद कौन आएगा बोलो भाई? 3D एस के बाद हाँ फोर एस फोरेस आएगा ना, तो फोर एस से हमने एक लिया, उसके बाद कौन आएगा? पी फोर पी 4P आएगा है ना, उसके बाद कौन आएगा? 4P से आप 3 ले लेंगे है ना, टोटल आपको 6 की जरूरत है। अब आप बाकी के 2 किससे लीजिएगा? फोर पी के बाद कौन आएगा? कौन डी सर डी डी हाँ 4D आएगा है ना, और 4D से कितने लीजिएगा आप? थ्री नहीं, कितने लिखो दो, हाउ मेनी डू यू नीड? 6। आपने कितने, आपके हो गए कितने? हाउ मेनी यू हैव ऑलरेडी टेकन? सर नहीं एस पी तो है ना, एक एस का एक और पी का 3, टोटल कितने हो गए? वो फोर सर तो डी के कितने लेंगे? टू। टू और हमारे पास क्या जाएगा बताओ? आई विल गेट SP3D2, ठीक है? इसमें भी वही कहानी होगी, SP3D2 जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैव इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द कौन सा आयन है? फ्लोराइड आयन है शायद, यहाँ पे एफ नेगेटिव जो है या फिर क्लोरीन इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक दिस, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप। अब दोनों की वजह से शेप, ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, यहाँ पे D2S2P है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दिस इज SP3D2। यहाँ पे वी आर यूजिंग द 3D स्ट्रक्चर, हियर वी आर यूजिंग द 4D स्ट्रक्चर। इसी वजह से इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एक कंसेप्ट आता है, ठीक है? बट इफ आई टॉक अबाउट द शेप फॉर बोथ ऑफ देम इज गोइंग टू बी द सेम, दैट इज ऑक्टाहेड्रल फॉर दिस वन, ऑक्टाहेड्रल फॉर दिस वन एंड ऑक्टाहेड्रल फॉर दिस वन। देखिए आपके पास जब आंसर सवाल आएगा ना, तो सवाल में वो नहीं देंगे कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। द रीजन भी ये जो स्टेटमेंट है ना आपका, ये स्टेटमेंट आपका चेंज होने वाला है। वंस वी आर डन विद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वी विल नॉट बी रिक्वायरिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। वी आर गोइंग टू लुक एट द लिगेंड, एंड बाय लुकिंग एंड आइडेंटिफाइंग द लिगेंड हम लोग पहचान जाएंगे कि कौन सा लिगेंड है, इसमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो दिस इज अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको प्लीज आराम से बिल्कुल कॉपी कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 10 जितनी बार सुबह हो सके उतनी बार सुबह रिपीट कीजिए, एंड कीप रिपीटिंग अंटिल अनलेस यू कैन डू इट विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रिलक्टेंस। अगर आप इसको कर लें तो सिर्फ आदतन ही सही, आपको क्या समझ में नहीं आया हो अभी, लेकिन आप इतनी दफा प्रैक्टिस कर लें कि आपका पेन अपने आप खुद ही चलने लगे, एटलीस्ट फॉर दीज टू एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट आपको 1, 2, 3, 4 स्टेप्स याद हो जाए, है ना? आप कम से कम इन दो एग्जाम्पल्स में तो आप इतना महारत हासिल कर लीजिए कि आंख बंद करके भी सोते हुए भी आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को कर लें, ठीक है? वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम प्रोसीजर इन मेनी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। आपको ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हाउ मेनी वेकेंट ऑर्बिटल्स नीडेड, कब ऑक्सीडेशन स्टेट का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी मल्टीपल थिंग्स आर बीइंग यूज्ड हियर। यू नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन एनी मेटल, यू नीड टू नो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यू नीड टू नो द ऑर्बिटल डायग्राम की पेयरिंग और नॉट पेयरिंग वाला केस क्या होता है, यू नीड टू नो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, यू नीड टू फर्दर नो आफ्टर 3 विच सबसेल इज प्रेजेंट, आफ्टर 4S विच सबसेल इज प्रेजेंट, आफ्टर 4P विच सबसेल इज प्रेजेंट, ठीक है? तो ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड इफ यू वॉन्ट 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, एंड समटाइम्स वेन यू आर रियली अनफॉर्चुनेट 1 मार्क का सवाल आएगा, आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। दैट इज वाई प्रैक्टिस कर लीजिए और आएंगे सवाल, ठीक है?